राधे राधे जय श्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चों आपके परीक्षा नज़दीक आने वाले हैं भले आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे देने जा रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रही हैं तो पोषण जनित रोग इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एक काफ़ी सिलेबस को ये कवर कर लेता है तो आप ये देखिए पोषण जनित रोग दो चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा अगर प्रश्न में आता है कुपोषण के कारण होने वाले रोग का वर्णन कीजिए तब आप पोषण की अधिकता और पोषण की कमी दोनों से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे अगर आता है कि पोषण न्यूनता जनित रोगों का चर्चा कीजिए या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों पर प्रकाश डालिए तब हम केवल पोषण जनित रोगों का वर्णन करेंगे जिसमें खास करके हम वर्णन करेंगे किसकी विटामिन की कमी और अधिकता से होने वाले रोग कैलोरी की कमी और अधिकता से होने वाले रोग खनिज लवणों की खास करके आयरन आयोडीन, कैल्शियम इनसे उत्पन्न इनके अधिकता और कमी से होने वाले रोग और प्रोटीन कैलोरी कुपोषण अगर आता है कि बालकों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कौन कौन से होते हैं तो उसका एग्जाम्पल एक, एक होता है आपका मैरासमस और दूसरा होता है क्वास्चियरकोर क्या क्या मैरासमस और क्वास्टियर तो चलिए आज हम एक एक करके चर्चा करते हैं न्यूनता जनित रोग के बारे में तो सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन का तो विटामिन में दो प्रकार के विटामिन हैं एक है विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और एक है विटामिन जो आपको वसा में घुलनशील होता है तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उनमें है विटामिन जल में घुलनशील कौन से विटामिन है दो है याद रखना दो है बी और सी बी और सी है ना बाकी के जैसे आप जितने उंगलियां उंगलियाँ उतना गिन लो ए बी सी डी ई और के ये छह प्रकार के विटामिन हैं जिनकी अधिकता और कमी से रोग उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में जितना चाहिए उतना पोषक तत्व होना चाहिए अगर उससे अधिक है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता ही है कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयत अति का हमेशा ही नुकसानदायक प्रभाव पड़ता है जहां भी ज़्यादा होता है उसका नुकसानदायक प्रभाव पड़ेगा और कम का भी नुकसानदायक प्रभाव पड़ेगा तो आज हम चर्चा करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर तो केवल हम आज संक्षिप्त जानकारी देंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी कौन सी रोग होता है रतौंधी आंखों का रोग होता है जो जिसकी प्रारंभिक लक्षण ही आपका रतौंधी से शुरू होता है नाइट ब्लाइंडनेस रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है दूसरा है विटामिन बी बी वन की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी अब जानते हो अगर विटामिन बी टू के आहार में कमी है तो ए रोग हो जाता है हमारे जो के दोनों किनारे हैं वो फट जाते हैं है ना ये दोनों को बोलते हैं विटामिन बी टू की कमी से विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है एनेमिया रक्त अल्पता भारत में अधिकांश गर्भवती स्त्रियां रक्त अल्पता रोग से पीड़ित होती हैं कारण चाहे अम्ल की कमी हो चाहे वो प्रोटीन की कमी हो चाहे लौह तत्वों की कमी हो भोजन में आयरन की कमी हो या विटामिन बी भी ट्वेल्व की कमी हो हो जाता है एनेमिया रक्त अल्पता रोग खून की कमी खास करके गर्भवती माता में जिनका हीमोग्लोबिन स्तर ही बहुत कम हो जाता है और विटामिन बी भी थ्री जिसको हम कहते हैं नियासिन इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है खास करके बच्चों में पेलाग्रा जिसको हम अगर अलग कर दें छेद कर दें तो देखते पेल प्लस आगरा पेल मतलब होता है पीला आगरा मतलब होता है है ना रफ स्किन जिसको होते हैं रफ स्किन इसमें इसको हम थ्री डी डिजीज के नाम से जानते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में आता है थ्री डी डिजीज किसके कारण होता है थ्री डी डिजीज किसके कारण होता है तो होता है किसके कारण के कारण नियासिन की कमी के कारण थ्री डी किसको कहते हैं डायरिया है ना? डर्मेटाइटिस और डिमेंसिया ये हो जाता है थ्री डी बालकों में और चौथा डी होता है अगर बालकों के समय पर उनकी देखभाल नहीं की जाए उसे डॉक्टर से दिखाया नहीं जाए दवाई उसको समय पर नहीं उपलब्ध करवाया जाए तो चौथा डी डेथ हो जाता है बालक की मृत्यु हो जाती है तो नियासिन भी हमारे आहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जिसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है यह भी त्वचा संबंधी रोग है विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है इसकी कमी से बालकों में रिकेट्स रोग गर्भवती स्त्रियों में ऑस्टोमाइलेसिया वृद्धों में ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है हड्डियों वाली रोग है क्योंकि जब विटामिन डी की कमी हो जाएगा आहार में वैसी स्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तब रोग हो जाता है है ना मेरिकेट्स गर्भवती स्त्रियों में ऑस्टोमेलेसिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे रोग होते हैं फोरिक एसिड की कमी से एनेमिया रोग हो जाता है रक्त अभी मैंने बताया ना? रक्त अल्पा रक्त अल्पता होने के कई कारण होते हैं फौलिक अमरी की कमी से भी हो सकता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से हो सकता है आयरन की कमी से हो सकता है प्रोटीन की कमी से हो सकता है तो एनीमिया पर हम एक अलग से वीडियो ही बना देंगे और विटामिन ई e की कमी से आपके क्या होता है प्रजनन अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं निसंतान निःसंतान होने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं मतलब बांझपन जिसको कहते हैं बंध्यता ये, ये रोग हो जाता है और विटामिन के की अगर कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है रक्त का थक्का ठीक प्रकार से नहीं जमता है रक्त का थक्का नहीं जमता है और मैंने बताया कि अगर बालकों के आहार में प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही कम मात्रा में है तो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है छोटे बालकों है ना जिसमें एक मेरासमस होता है सूखा रोग गरीब परिवार के बच्चों को होता है दोनों ही और क्वासियर कोर होता है छोटे बालकों में दो से चार वर्ष के अवस्था वाले जो बालक होते हैं उनको मैरासमस हो जाता है जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं इसके बारे में डि, डिस्कस हम बाद में करेंगे डिटेल्स में करेंगे और क्वासियर कोर जिसमें लगता तो है बालक हमारा हृस्पुरुष्ट है बालक हमारा तंदुरुस्त है चेहरा भी उसका फूला फूला लगता है मुनफेस हो जाता है लेकिन बालक आहार में प्रोटीन की कमी होती है तब उसको पौषणक और नामक बीमारी हो जाती है तो चलिए आज हमने पोषण जनित रोगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है हाँ और आगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो आयरन की कमी से लौह तत्व की कमी से क्या होगा एनेमिया हो जाता है कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा आयोडिन की कमी से क्या होता है तो घेंघा रोग हो जाता है।, है ना तो इन सारे रोगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वहीं पर अगर विटामिन ए की अधिकता हो जाए विटामिन डी की अधिकता हो जाए तो भी व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो जाता है क्योंकि जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो पर भी वो जल में घुलनशील होने के कारण हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है शरीर में नहीं रहता है लेकिन जो चीज़ें जो विटामिन बॉडी में जमा होते रहता है जल में घुलनशील नहीं होता है वसा में घुलनशील है तो उसके अधिकतर हमारी बॉडी को नुकसानदायक स्थिति में पहुंचा सकता है तो चलिए आज हम अपने वीडियो के यहीं विराम देते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ तब तक दो इजाजत जाने की ओके बाय बाय